इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि जमीन के ऊपर मेरे पास बहुत ऊंची जगह है जैसा कि ये पहाड़, और इस पर मौजूद है मेरे पास एक कैनन। जब मैंने इस कैनन से फायर किया तो ये बाल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गिर गया। दिस पाथ फॉलो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक कर्व। अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड दूं, अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड से थ्रो करूं तो ये प्रोजेक्टाइल गिरने से पहले और बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मजीद स्पीड पर आने पर मजीद डिस्टेंस कवर करेगा, और ज्यादा स्पीड और ज्यादा फासला। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक खास स्पीड पर ये जमीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू करेगा। अगर मैं स्पीड और ज्यादा करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द एक इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रिकल पाथ मजीद स्पीड बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल पाथ भी बड़ा शुरू हो जाएगा। इसी तरह स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त आएगा स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर ये ऑब्जेक्ट जमीन पर कभी वापस नहीं आएगी और जमीन के ग्रेविटी फील्ड से हमेशा हमेशा के लिए एस्केप कर जाएगा। और इसलिए इसको हम कहते हैं, इस स्पीड को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम।